नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, आपने यूपी के माहौल को करीब से देखा है, तो कैसा लगता है? देखिए, एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और आबादी वाला राज्य है। 22 करोड़ वहां की आबादी है और उसमें से 14 करोड़ के करीब अब मतदाता हो गए हैं इस चुनाव के समय। 11-11.5 लाख जो नए मतदाता जुड़े हैं उनको जोड़कर, तो आप देखिए 22 करोड़ की आबादी में अगर 14 करोड़ मतदाता हैं तो लगभग 65% आबादी मतदान कर रही है। इसी से पता लगता है कि वहाँ राजनीति का और चुनावों का क्या महत्व है। दूसरी बात आप देखिए कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अगर गुजरात, जो कि उनका प्रदेश है जहां पर वो मुख्यमंत्री रहे 3 कार्यकाल तक, वहां के अलावा कोई सीट जब चुनने की बारी आई तो उन्होंने बनारस की सीट चुनी, यानी कि उत्तर प्रदेश को चुना। अगर उत्तर प्रदेश को उन्होंने चुना तो उसके बहुत सारे राजनीतिक रणनीतिक महत्व हैं। और जब एक सीट खाली करने की बारी आई तो उन्होंने गुजरात की अपनी बड़ोदरा की सीट खाली की और वो उन्होंने बनारस की सीट को अपने पास रखा। इससे उत्तर प्रदेश की अहमियत, भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में उसकी सरकार है उसके लिए उत्तर प्रदेश की अहमियत पता लगती है। और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अहमियत उत्तर प्रदेश को मिल रही है। जहां तक आपने बताया कि उसको करीब से देखा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आप सारी सीटों पर घूमकर सारी जनता से बात कर लेंगे तो भी उसके मूड का ठीक ठीक अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। फिर भी निश्चित तौर पर यह बहुत अहमियत वाला चुनाव है। ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा की दावेदारी को मजबूत करने के लिए उनका एक बड़ा प्रयत्न है, बल्कि बिहार में जो उनको जबरदस्त करारी हार मिली थी नीतीश और लालू के गठबंधन से, दिल्ली में जो उनको जबरदस्त करारी हार मिली थी अरविंद केजरीवाल से, उसकी भरपाई करने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 में से 71 सीटें उनको मिली हैं, उस करिश्मे को आगे वो जारी रख पाएंगे कि नहीं विधानसभा में, बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरे चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नोटबंदी के बाद पहले बड़े चुनाव हैं। नोटबंदी के बाद के स्थानीय निकाय के चुनावों में जरूर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सफलता मिली है और उससे उन्होंने उस नोटबंदी पर मुहर माना है, लेकिन अब तो उनके नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि ये दरअसल जो 5 राज्यों के चुनाव है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, वो सारे नोटबंदी पर मुहर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसलिए सारी पार्टियों ने वहां ताकत झोंक रखी है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह के चुनाव हम लोग देखने के आदि हैं, झंडे बैनर पोस्टर गाजे बाजे और रैली वाले, उस तरह के नहीं है। रैलियां जरूर हो रही, आम सभाएं हो रही, लेकिन सड़क पर बैनर पोस्टर बिल्कुल गायब हैं। प्रचार सामग्री पर खर्च करने की बजाय सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के अलावा अखबारों में आने वाले विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है। चुनावी रंगत पूरे शबाब पर है उत्तर प्रदेश में। ऐसी अटकलें हैं कि राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने जा रहा। जितनी बात लोगों से हो पाई है जमीनी स्तर पर, चाहे लखनऊ में हो, चाहे रायबरेली में हो, चाहे बाराबंकी में हो, चाहे आसपास के गांवों में हो, और कम से कम 10-12 विधानसभा सीटों पर बात करने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार निश्चित तौर पर त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं और किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा कि नहीं, इस पर सवाल या निशान लगे हैं। हालांकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह गठबंधन की नौबत नहीं आई है, पूरा स्पष्ट बहुमत मिला है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन वहां पर भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सफलता पाई। तो अब ये जो चुनाव है इसमें क्या वो परिपाटी टूटेगी जैसे 2014 के लोकसभा चुनावों में लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया है, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत दिया है, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत दिया है, झारखंड में स्पष्ट बहुमत मिला है, वैसा बिहार में जब चुनाव हुए तो नीतीश और लालू के गठबंधन को जबरदस्त, मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि कौन पार्टी बनाएगा। लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में परिपाटी टूटे। वहां पर एक चाय वाले ने और एक दही बड़े की दुकान वाले ने जो बात मुझे कही वही मैं यहाँ पर अपने वेब दुनिया के दर्शकों और श्रोताओं के सामने रख सकता हूँ। उनका कहना था कि बिना बैसाखी के कोई सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा। अब कौन किसकी बैसाखी लेगा, किसको किसका सहारा मिलेगा, ये निश्चित ही बड़ा सवाल है। अभी जो संभावनाएं दिखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और एक कयास ये लग रहा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी का सहारा ले। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि कम से कम 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और सपा दोनों ही के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट ले लें, लखनऊ की एक सीट ले लें, सब जगह ऐसा हुआ है क्योंकि सपा वाले अपने प्रत्याशी को नहीं समझा पाए, कांग्रेस वाले अपने को नहीं समझा पाए, तो ये भी नुकसान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कमिटेड वोटर है प्लस 28-30 सीटें जो कांग्रेस की थी, उनमें से कुछ और सीटें अगर उनको मिल जाती हैं तो कांग्रेस के और सपा के वोटर में कम से कम भ्रम की स्थिति नहीं है और दोनों मिलकर एक जगह वोट कर सकते हैं, उसका फायदा सपा को गठबंधन को मिलता हुआ दिखता है। जयदीप जी, अगर मुद्दे की बात करें तो राज्य में विकास मुद्दा है या फिर वही जाति और धर्म? निश्चित ही अच्छा सवाल है और हर चुनाव में ये सवाल उछलता है। जब चुनाव शुरू होते हैं, अभी केवल 2 दौर का मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है, 3रे दौर का मतदान बहुत करीब है,
तब विकास मुद्दा होता है, विकास की बातें होती हैं, कार्य योजनाओं की बात होती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने नारा दिया है कि काम बोलता है, उसके जवाब में भाजपा ने नारा दे दिया कि कारनामा बोलता है। काम बोलता है विकास की बात है, कारनामा मतलब जो वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति है उसकी वजह से, जो घोटाले भ्रष्टाचार हुए उसकी वजह से। मुझे लगता है कि ये तीसरे चरण के मतदान के बाद विमर्श धीरे धीरे उस और बढ़ेगा, जो कि खदबदाहट अंदर है, अंदर जो वहां पर अंडरकरंट है, जो अंतर प्रवाह है लोगों के बीच में, वो जाति का समीकरण है, वो धर्म का समीकरण है। सब जगह पर ये बात हो रही है कि मुस्लिम वोट जो है वो 20% के करीब मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, और वो तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। मुस्लिम वोटर जो है बहुत रणनीतिक स्तर पर वोट कर रहा है, उसका लक्ष्य एकमात्र है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना। जहां उनको बसपा का उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहा है वहां बसपा को वोट कर रहे हैं, जहां कांग्रेस सपा का उम्मीदवार मजबूत दिखता है वो कांग्रेस सपा को वोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अमित शाह को पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा कि उनका मुकाबला सपा कांग्रेस के गठबंधन से नहीं बसपा से है। इसके पीछे रणनीतिक सोच है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए। वो मुस्लिम वोट को बसपा की तरफ आकर्षित इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कुछ अगर कांग्रेस सपा को मिलेगा, कुछ बसपा को मिलेगा, तो फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट पूरा का पूरा या बसपा या कांग्रेस सपा के पक्ष में चला गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह मुश्किल हो जाएगी। यदि हम नरेंद्र मोदी के जादू की बात करें तो वो लोकसभा जैसा जादू विधानसभा में नहीं दिख रहा। ये तो स्पष्ट तौर पर स्वीकारा जा सकता है कि मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। मोदी लहर के बाद बजाय अब मोदी सरकार के काम पे चर्चा हो रही है, मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पे चर्चा हो रही है। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में आती है तो किस तरह का माहौल बनेगा इस पे हो जाएगी। और मतदाता बहुत समझदार है, मतदाता ने लोकसभा में तय कर लिया था कि मोदी नाम का एक व्यक्ति दावे कर रहा है कि वो देश की तस्वीर बदल देगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो लोगों ने उस लहर के साथ बहकर उत्तर प्रदेश में आप देखिए जहां कल्याण सिंह के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही है, संगठन लड़का रहा है, जमीनी स्तर पर बूथ लगाने वाले तक भाजपा को नहीं मिल रहे। सपा और बसपा की पैठ इतनी गहरी हुई है पिछले 15 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। उस उत्तर प्रदेश में इतनी जबरदस्त सफलता लोकसभा में मिलना बताता है कि लोकसभा में एक लहर थी, एक विचार था, एक सोच था, उसकी वजह से इतनी जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन विधानसभा में क्या होता है ये बिहार में देखने को मिला। हालांकि बिहार में दो बड़ी पार्टियां जो एक दूसरे की बिल्कुल विरोधी थी वो साथ आ गई थी। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा साथ आ जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। वैसी स्थिति तो नहीं है, टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। लेकिन मतदाता का जो मिजाज है उसको पूरी तरह से भाप पाना कठिन है। टक्कर बराबरी की है, बहुत सारे अंतर प्रवाह है। देखिए जाट वोट जो है पूरा रालोद को मिल गया, अजीत सिंह को मिल गया। जाट आरक्षण को लेकर भी भाजपा से नाराज थे, बसपा सपा के साथ वो जाने नहीं चाहते थे, तो उनका स्पष्ट ध्रुवीकरण दिखाई देता है। लेकिन अन्य जातियों में बंटवारा है, यादव वोट निश्चित तौर पर सपा के साथ है, तो वो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका और चुनौती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संघ के माध्यम से पिछले 3-4 सालों में जो बड़ी सफलता मिलती हुई दिखती हुई है कि अति पिछड़ी जातियों में कुछ घुसपैठ उन्होंने की है, इसलिए उन्होंने मौर्य को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, कुशवाहा छोड़कर बसपा यहां आ गए हैं। तो मौर्य कुशवाहा जैसे पिछड़े नेताओं के शामिल होने से कुछ फायदा तो मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को वहां पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।